हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश शर्मा। मैं बात करने वाला हूँ टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस मतलब जेनिक्स के बारे में, जो कि ऑफिशियली जो है वो लॉन्च हो गई है। एंड फ्रेंड, फिलहाल ये हमें इंडिया के अंदर नहीं देखने को मिलती है, बट इंडोनेशिया के अंदर जो टोयोटा ब्रांड है उसने इसे ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। एंड अगर मैं इसके इंडियन लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो फिर इंडिया के अंदर ये हमें 25 नवंबर के दिन जो है हमें देखने को मिलेगी, बट ग्लोबल मॉडल एंड इंडियन मॉडल दोनों हमें सह में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ कि जो टोयोटा इनोवा का जो हाईक्रॉस मॉडल है फ्रेंड्स, के अंदर में किस तरह के इंटीरियर या फिर जो एक्सटीरियर हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं कार के एक्सटीरियर के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, ये हमें कम्प्लीटली रीडिजाइन देखने को मिलती है। फ्रेंड, जो टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस एमपीवी है फ्रेंड, इसके अंदर हमें जो टोयोटा का मॉड्यूलर टीएनजीएसी जीएसी प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, उसी पर हमें बेस देखने को मिलेगी। एंड फ्रेंड, इसके अंदर हमें न्यू हेक्सागोनल ग्रिल के साथ हमें क्रोम बॉर्डर्स, एलईडी हेडलाइट सेटअप एंड मस्कुलर फ्रंट बम्पर के साथ हमें लार्जर वेंट्स, स्लिम एलईडी डीआरएल एंड इसके अंदर हमें फ्लैट व्हील आर्च, 18 इंच के एलॉय व्हील्स, अंडर बॉडी क्लेडिंग जो कि हमें मस्कुलर कैरेक्टर लाइंस के साथ ही जो है हमें देखने को मिलेगी। एंड फ्रेंड्स, के अंदर हमें टू टोन ओआरवीएम्स जो कि हमें इंडिकेटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ एंड इसके अंदर हमें ब्लैकआउट एलिमेंट्स भी जो है हमें देखने को मिलेंगे। एंड अगर मैं इसके इंटीरियर के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड्स, के अंदर हमें न्यू फ्री स्टैंडिंग 10 इंच का हमें टस्क इन्फोमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले एंड इसके अंदर हमें न्यू मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील जो कि हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ एंड जो गियर लीवर है जो कि हमें डैशबोर्ड में हमें हाई पोजीशन में देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल होल्ड बटन एंड इसके अंदर हमें सेकेंड रो पे हमें कैप्टन सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, रिपोजिशन रूफ माउंटेड एयर कॉन वेंट्स, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग एंड इसके अंदर हमें सेकेंड रो पे हमें ड्यूअल 10 इंच की स्क्रीन्स भी जो है हमें देखने को मिलेगी। एंड अगर मैं इसके पावर ट्रेन ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें टोयोटा का जो सेफ्टी सेंस 3.0 प्रोग्राम है उसी के साथ ही जो है हमें देखने को मिलेगी, जिसके अंदर में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट, 7 एयरबैग्स, 3 सीट बेल्ट जो कि हमें ऑल पैसेंजर्स के लिए, एबीएस, ईबीडी, रियर पार्किंग कैमरा एंड और भी काफ़ी सारे हमें सेफ्टी फीचर्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इस कार के बारे में इतने फीचर्स अभी अपडेट्स हमें देखने को मिलते हैं। फ्रेंड, और भी अगर इसके बारे में नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं आप लोग नया वीडियो लेके आऊँगा। एंड फ्रेंड, इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर ऑटोमेटिव वीडियोस के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।